सो दोस्तों, आपको तो ये पता ही है, जब से शादी तय होती है तब से लड़का और लड़की बहुत कुछ सपने बुनने शुरू कर देते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो ये सोचते हैं कि उस दिन उनको क्या करना है, शॉपिंग करना, ये करना, वो करना, दोस्तों से बारे में बातें करना, बहुत कुछ। और हनीमून की प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं, हनीमून पे उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कितने दिन रहना है। शादी के बाद सबसे पहली सीढ़ी होती सुहाग रात की। सुहाग रात के बारे में भी लड़का लड़की बहुत कुछ सपने बुनते हैं। आपको पता है वो इतने एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उनके मन में डर भी काफ़ी रहता है सुहाग रात को लेकर। धीरे धीरे दिन गिनने शुरू कर देते हैं। और हाँ, जैसे लड़का और लड़की सुहाग रात के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, वैसे उनकी फैमिली भी रीति रिवाज मनाने के लिए उतने ही उत्सुक रहते हैं। हम आपको कुछ ऐसे रिवाज बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप तो दंग रह ही जाओगे और साथ ही साथ दूल्हा दुल्हन को करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। नंबर वन, दुल्हन द्वारा दूल्हे को दूध पिलाना। सो दोस्तों, आपने तो इतनी सारी मूवी देखी होगी, ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें दुल्हन दूल्हे को दूध का ग्लास ऑफर ना करती हो। सो दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा, दुल्हन शर्माते हुए, इटलाते हुए दूल्हे के पास आती है और दूध का ग्लास ऑफर करती है। सो दोस्तों, मुझे पता नहीं चलता ये रिवाज किसने बनाया और क्यों बनाया। सो दोस्तों, ये समझ तो नहीं आ रहा है कि ये रिवाज किसने बनाया और क्यों बनाया। और दुल्हा को पता नहीं इतनी क्या कसरत करनी पड़ रही है कि उसे दूध का ग्लास मिलता है। चलो, इस रिवाज में कोई बुराई तो नहीं है और दुल्हन को भी तो दूध पीने मिलता है। सो चलिए, हम अब आपको बताते हैं दूसरा रिवाज। सुहाग रात के दिन मिलता है दुल्हा और दुल्हन को खाने को पान। जी हाँ, सुहाग रात के दिन उन दोनों को पान खाना पड़ता है। पान इसलिए खिलाया जाता है कि उनके मुंह से सुगंधित स्मेल आ सके। सो दोस्तों, आपको तो पता ही है, अभी तो दूध पिलाया था और अगर बदबू आने लगी तो दूध पीने का भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। सो माना जाता है कि पान खाने से सेक्स पावर बढ़ जाती है। सो दोस्तों, चलो इस रिवाज में भी कोई बुराई नहीं है और पान खाना सेहत के लिए भी अच्छा ही है। दूल्हे को खानी पड़ती है दुल्हन की झूठी सुपारी। जी हाँ दोस्तों, कई जगह ऐसा भी है भारत में जहाँ पर दुल्हन सुबह से लेकर मुंह में सुपारी दबाई हुई रहती है और सुहाग रात के दिन वही सुपारी दूल्हे को खानी पड़ती है। कहा जाता है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। महकते गुलाबों की सेर। आपको तो पता ही है कि सुहाग रात के दिन एक लंबी सी चादर बिछाई जाती है और उस पर गुलाब ही गुलाब रहते हैं। पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू महकती रहती है। तो भाइयों, चलो ये भी रिवाज बुरा तो नहीं है। और ध्यान रहिए दोस्तों कि गुलाब के साथ कहीं काटा ना छूट जाए और वो गलत समय कहीं चुभ ना जाए। दुल्हन का लाल जोड़ा लेकिन बिस्तर पर सफेद चादर। अब यहाँ से शुरू होती है दुल्हन के लिए शर्मंदगी की शुरुआत। पूरी रात काम क्रीड़ा के बाद जब सुबह बूढ़ी औरतें आती हैं और चादर पे वो दाग तलाशने की कोशिश करती है, यदि उनको वो दाग मिलता है तो वो सोचती है कि दुल्हन ने शादी से पहले किसी से संबंध नहीं बना है। लेकिन यदि उन्हें वो दाग नहीं दिखाई देता तो वो ये सोचती रहती है कि लड़की ने कहीं ना कहीं संबंध बनाए होंगे शादी से पहले। है ना, ये दक्यानुसी बातें। और आज भी ऐसी प्रथा छोटे गाँव में मानी जाती है जिससे दुल्हन को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बात यहीं पे नहीं रुकती है। आपको पता है वही सफेद चादर बड़ी बूढ़ी औरतें गांव भर में भी दिखाती है और अपने रिश्तेदारों को भी दिखाती है ना ये शर्मनाक प्रथा। मेरे ख्याल से तो ऐसी प्रथा जल्द से जल्द बंद हो वही अच्छा है। बंगाल में कुछ ऐसे रिवाज है जहाँ शादी के बाद सुहाग रात के दिन लड़का लड़की का मिलन नहीं हो पाता और लड़की दूसरे दिन अपने घर चली जाती है। और हाँ, कुछ दिनों के बाद जब वो आती है तब उनका सुहाग रात की रिवाज आगे मनाई जाती है। सो दोस्तों, बंगाल के इस रिवाज को काल रात्रि रिवाज कहा जाता है। सो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे अजीबोगरीब रिवाज सुहाग रात के। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके यहाँ कोई ऐसे अजीबोगरीब रिवाज मनाए जाते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। Oh.